फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मिस्टर मरमेड एपिसोड 5। एपिसोड 4 तक की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लिन जी का नेम सुनकर चैंगमी शॉक रह जाती है और लिन जी से पूछती है, क्या आप जेम्स लिन हो? तो लिन जी कहता है, तुम पहली नहीं हो जो ये पूछ रही हो। तो चैंगमी कहती है, तो क्या आप सच में वही हो? वह लिन जी यंदू से कहता है, तुम पर अभी भी मेरा फेवर है, क्या तुम लड़ाना चाहती हो? तो वो कहती है, हाँ जरूर, बोलो तुम क्या चाहते हो? तो लिन जी कहता है, मैं तुम्हारी कंपनी में तुम्हारा असिस्टेंट बनना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? क्या तुम मेरी मेंटर बनोगी? तो यंदू कहती है, आर यू किडिंग, तुम्हारा ब्रांडेड आउटफिट और ये एक्सपेंसिव बॉस दिक्कत तो नहीं लगता कि तुम एक जॉब करना चाहते हो? तो लिन जी कहता है, मैं जॉब ढूंढने के लिए ऐसे ड्रेसअप हुआ हूँ, ये सब तो मैंने एक फ्रेंड से लिया है। और कहता है, टॉपिक चेंज मत करो, तुमने कहा था कि तुम मेरा फेवर मुझे रिपे करोगी। तो यंदू कहती है, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं तुम्हें रिपे नहीं करूँगी, बल्कि मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मेरी कंपनी आना काफी डिफिकल्ट है और मैं खुद वहाँ एक इंटर्न हूँ, मैं अभी खुद को ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकती और तुम मुझसे एक्सपेक्ट करती हो कि मैं तुम्हारी मेंटर बनूं? सीरियसली, मेरी कंपनी मत ज्वाइन करो, कोई इजी जॉब ढूंढ लो। तो लिन जी कहता है, तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास मेरी खुद की सॉल्यूशन है। और एक बार फिर यंदू और चैंगमी के डिनर का बिल पे करके उसके ऊपर एहसान करके चला जाता है। फिर चैंगमी यंदू से पूछती है, क्या तुम और लिन जी बहुत क्लोज हो? तो यंदू कहती है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग काफी सारे रिपोर्टर स्विमिंग स्कूल आए हुए होते हैं, तो यंदू और टीचर सन से पूछती है, आज यहाँ इतनी सारी मीडिया क्यों है? तो टीचर सन बताते हैं कि मैंने तुम्हें 4 स्विम स्टार्स के बारे में बताया था, तो उसमें से एक यहाँ आया है, ओ यंग। तो यंदू कहती है, क्या रियली ओ यंग यहाँ आया है? तो यंदू पूछती है, वो यहाँ क्यों आया है? तो टीचर सन कहते हैं, ये 2 स्कूलों की परंपरा है, इस टाइम वो लोग एक साथ ट्रेनिंग करेंगे, उनका गोल है फ्रेंडली कंपटीशन को प्रमोट करना। वो यंदू को बताते हैं कि ओ यंग काफी मिस्टीरियस है, आज उसका इंटरव्यू भी कोई नहीं ले पाएगा, किसी भी रिपोर्टर के पास उसकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लोग उसकी पर्सनैलिटी के बारे में भी नहीं जानते हैं। तो यंदू कहती है, तो लोग इसलिए यहाँ है ताकि वो उसका इंटरव्यू लेने का चांस पा सके? तो टीचर सन कहते हैं, हाँ। इधर ओ यंग और टैंग यी बाई साथ में ट्रेनिंग कर रही होते हैं, तो ओ यंग टैंग यी बाई से खुद को बेटर फील कराता है और उसको वीक कहता है, तो टैंग यी बाई उससे बिना कुछ कहे चला जाता है। तो ओ यंग उससे बहस करने के लिए उसके पीछे जैसे ही जाता है, तो टैंग यी बाई का फ्रेंड लिंगी ओ यंग की वजह से फ्लोर पर गिर जाता है और ओ यंग से वो कहता है, तुम मुझसे बिना माफी मांगे कहाँ जा रहे हो? तो ओ यंग कहता है, मुझे टैंग यी बाई से बात करनी है। तो वो कहता है, पहले अपनी गलती की माफी मांगो, और तभी वहाँ और लोग भी आ जाते हैं। इधर चिरी फोंग जैसे ही आता है तो रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं, तो वो यंदू से पूछता है, तुम यहाँ क्यों हो? तो वो उसे बताती है कि हम सब ओ यंग का इंटरव्यू लेने की अपॉर्चुनिटी पाना चाहते हैं। तो चिरी फोंग यंदू को अपने साथ अंदर ले जाता है। आगे अंदर आकर चिरी फोंग देखता है कि यहाँ ये क्या हो रहा है, तो वो ओ यंग से कहता है, तुम फिर से परेशानी खड़ी कर रहे हो? तो लिंगी बताता है, इसने मुझे जमीन पर गिरा दिया और माफी भी नहीं मांगी, उसके पास कोई रेस्पेक्ट नहीं है। तो ओ यंग की टीम के लोग कहने लगते हैं कि वो एक कैप्टन है, वो माफी क्यों मांगेगा? तो चिरी फोंग कहता है, सब लोग यहाँ हैं, चलो देखते हैं कि किसमें कितना दम है। और जैसे ही दोनों टीम में झगड़ा होने वाला होता है, वैसे ही यंगू बड़ी स्मार्टनेस से अपना कैमरा निकाल लेती है और ओ यंग का इंटरव्यू लेने लग जाती है और कहती है, आप ओ यंग हो ना, आपने ऐसा क्या किया जो इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया? तो गाइस, अब ओ यंग कैमरे के सामने क्या बोले, तो उसकी टीम के मेंबर्स कहने लगते हैं कि इस रिपोर्टर को यहाँ कौन लेकर आया है? तो चिरी फोंग कहता है, शी इज माई फ्रेंड, नॉट एन ऑर्डिनरी रिपोर्टर, मैं उसे अंदर लाया हूँ। तो यंदू कहती है, डोंट वरी, मैं एक प्रोफेशनल रिपोर्टर हूँ, मैं हर एक चीज रिपोर्ट करूँगी जो आज यहाँ हुआ है, सो प्लीज टेल मी काइंडली कि यहाँ क्या हुआ है। तो ओ यंग कैमरे के सामने अपनी गलती मान लेता है और लिंग यी को सॉरी कह देता है। तो सब चले जाते हैं। फिर आगे टैंग यी बाई यंदू से कहता है, तुम बहुत स्मार्ट हो। और ओ यंग कहता है, मैं तुम्हें देख लूंगा यंदू। आगे टैंग यी बाई यंदू से कहता है,
तुम तो सच में ब्रेव हो। एक गर्ल ने दो पार्टीज के बीच आकर कैसे स्टैंड लिया और उन्हें डंप कर दिया, और उससे पूछता है क्या तुम्हें डर नहीं लगा कहीं वो तुम्हें हिट कर देता तो? तो यंदुओ कहती है नहीं, बिकॉज तुम वहाँ थे। वेल यंदुओ कहती है तुम दोनों टीम अलग अलग क्यों रहते हो, एक साथ क्यों नहीं? तो तैंग यी बाई कहता है इसके पीछे एक रीजन है, पास्ट में नॉर्थ और साउथ में एक टीम की स्थापना हुई थी जिसमें बेस्ट स्विम टीम की पोजीशन हमें या उन्हें दी गई थी, इसलिए हम एक दूसरे को लाइक नहीं करते हैं। तो यंदुओ पूछती है लेकिन चिरी फोंग और ओ यंग ऐसे क्यों लड़ रहे थे, क्या इसके पीछे भी कोई हिस्ट्री है? तो तैंग यी बाई कुछ बोलता ही नहीं है। तो यंदुओ कहती है डोंट वरी, अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ, वैसे मैं तुम्हारी किसी भी बात को बाहर लीक नहीं करूंगी। तो तैंग यी बाई कहता है यू आर सो अंडरस्टैंडिंग। वेल आगे लिन जी यंदुओ की कंपनी ज्वाइन करने आ जाता है और उसके बॉस उसकी आईडी जानते हैं कि वो जेम्स लिन है, तो वो उसे रख लेते हैं। तो लिन जी उनसे कहता है कि आप मेरी आईडी प्लीज सीक्रेट रखना, किसी को पता ना चले कि मैं जेम्स लिन हूँ, और वो यंदुओ का असिस्टेंट बन जाता है। इधर यंदुओ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उसके असिस्टेंट बनने से, क्योंकि वो उसके काम में इंटरफेयर करता रहता है। तो चैंग भी यंदुओ से पूछती है क्या तुम उससे हेट करती हो, तो वो कहती है नहीं लेकिन ये थोड़ा सा अजीब है। आगे लिन जी तैंग यी बाई से मिलने आता है। तो गाइस तैंग यी बाई और लिन जी भी एक दूसरे को पास्ट से जानते हैं। तो लिन जी उससे कहता है तुम स्विम टीम में वापस आ गए तो मैं तुमसे मिलने चला आया, अगर शाओ सेंग को पता चलेगा तो वो बहुत खुश होगी। तो तैंग यी बाई पूछता है लिटिल वन कैसी है, तो वो कहता है वो ठीक है, और उसे बताता है कि उसने भी क्यू के वीडियो कंपनी ज्वाइन कर ली है। तो तैंग यी बाई कहता है ये तो तुम्हारी जॉब से बिल्कुल डिफरेंट है, तुमने क्यों ज्वाइन की? तो लिन जी कहता है हाँ लेकिन इसके पीछे एक गर्ल है जिसने मुझे इस जॉब में इंटरेस्ट दिलाया है। वेल नेक्स्ट डे सेम स्कूल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली होती है। तो यंदुओ लिन जी को समझाती है कि तुम कोई क्वेश्चन मत करना अंदर किसी से भी, तुम अभी एक रिपोर्टर नहीं हो। तो वहाँ तैंग यी बाई यंदुओ को देखकर खुश होता है कि तभी लिन जी यंदुओ के साथ अंदर आकर बैठता है। तो तैंग यी बाई को उसे देखकर याद आता है कि वो लास्ट नाइट यंदुओ के बारे में ही बात कर रहा था। वेल आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है। तो कोच कहते हैं नॉर्थ और साउथ की दोनों टीम यहाँ ड्रीम कप की ट्रेनिंग की शुरुआत करने आई हैं। तो टीचर सन क्वेश्चन करते हैं कि आपको क्या लगता है दोनों टीम एक साथ मिलकर अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगी? तो कोच कहते हैं हाँ हमें विश्वास है कि वो मिलकर एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगी और एक दूसरे को एनकरेज करेंगी, और कहते हैं दोनों टीम के कैप्टन चिरी फोंग और ओ यंग हैं, सारे मेंबर्स को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। टैन एक रिपोर्टर क्वेश्चन करती है कि ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि दोनों टीम के कैप्टन में से कौन जीतेगा, चिरी फोंग या ओ यंग? तो चिरी फोंग कहता है मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा, मेरे ओपिनियन में मैं प्रतियोगी नहीं हूँ, मेरा प्रतियोगी केवल मेरा टीममेट है तैंग यी बाई। तो तैंग यी बाई बहुत खुश होता है, लेकिन तभी लिन जी उससे क्वेश्चन करने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है तैंग यी बाई ओ यंग से बेटर है, और तभी यंदुओ उसे मना करती है कि तुम ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। तो चिरी फोंग कहता है मुझे लगता है इसका आंसर तैंग यी बाई दे सकता है, और मुझे लगता है कि तैंग यी बाई ओ यंग से नहीं डरता, वो उससे बेटर है। तो लिन जी तैंग यी बाई से आंसर मांगता है कि क्या जो चिरी फोंग ने कहा वो सच है? तो तैंग यी बाई कहता है ही इज राइट, मैं किसी भी चैलेंज से नहीं डरता। तो लिन जी कहता है क्या तुम ओ यंग को हरा दोगे? तो तैंग यी बाई कहता है ये कॉम्पिटिशन के दौरान पता चलेगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस यही एंड होती है, और आगे सभी रिपोर्टर्स गॉसिप करते हुए जाते हैं कि तैंग यी बाई समझता है कि वो ओ यंग को हरा देगा। आगे यंदुओ लिन जी से कहती है तुम्हें मैंने पहले ही बताया था कि ऐसे रैंडम क्वेश्चन मत करना, तो तुमने क्यों पूछे? तो टीचर सन भी उसे डांटते हैं कि अगर तुम्हारी मेंटर कोई क्वेश्चन नहीं करती तो तुम भी नहीं पूछ सकते। तो लिन जी कहता है आप देखना ये न्यूज कल की हेडलाइन बन जाएगी कि तैंग यी बाई ने ओ यंग को चैलेंज दिया है कि वो उसे हरा देगा। और यंदुओ को लिन जी की बात पर बहुत गुस्सा आता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वही होता है और वो न्यूज हेडलाइन बन जाती है, और लोग तैंग यी बाई के लिए गलत गलत कमेंट करने लगते हैं, और लिन जी बहुत खुश होता है और यंदुओ बहुत अपसेट। इधर चिरी फोंग भी उस न्यूज से काफी एंग्री होता है, और तभी यंदुओ की कॉल आती है और वो पूछती है क्या तैंग यी बाई ने आज की न्यूज देखी है? तो चिरी फोंग कहता है हाँ। तो यंदुओ पूछती है क्या वो ठीक है? तो चिरी फोंग कहता है वो खुद को काम डाउन कराने के लिए बुक पढ़ रहा है। तो यंदुओ कहती है फिर तो वो बहुत नाराज होगा। तभी तैंग यी बाई
उससे फोन लेकर बाहर चला जाता है और यंदुओं से कहता है, मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे इस टाइम कोई हिम्मत दे। तो यंदुओं कहती है, मैं तुम्हारा मूड कैसे ठीक करूँ? तो वो कहता है, जब मेरा मूड खराब होता है तो मैं म्यूजिक सुनना पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे लिए एक सॉन्ग गा सकती हो? तो यंदुओं उसके लिए एक सॉन्ग गाती है, आई वॉन्ट टू फ्लाई हायर। तो टैंग यी बाई कहता है, लेकिन मैं एक स्विमर हूँ, मैं फ्लाई कैसे करूँ? वेल्बो मचाक करता है और उसे थैंक्स कहता है। यहाँ ओ यंग भी यंदुओ को उससे बात करते हुए देख लेता है और आगे आकर उससे कहता है, आई कांट बिलीव कि तुम में अभी भी गर्ल्स के साथ फ्लर्ट करने की एनर्जी है। तो चिरी फोंग उससे कहता है, आर यू जेलस दैट टैंग यी बाई इज इन लव? तो ओ यंग कहता है, मैं देखूंगा कि उसकी लव स्टोरी कहां तक जाएगी। और ये एपिसोड यही एंड होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड या डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।